नॉट करो आप। अरे आने तो दो आने। खाने के लिए इन्होंने कितनी जल्दी कार निकाली है, देखो रात के 9 बजे। नंगे बैठ जाओगे बेटा ऊपर? चप्पल कहाँ है तुम्हारी? बच्चे नंगे पैर नंगे पर चले जाएंगे? हाँ, हाँ। अरे कहाँ है, चप्पल है ही नहीं है क्या है? चप्पल है, आप नंगे पैर चल रहे हैं। क्या हो गया? ऐसे ही नंगे पैर। अच्छा मजा आ रहा नंगे पैर? नंगे पैर का अलग मजा है। मैं जब बचपन में अनमैरिड थी तो उसमें मैंने काफी कई बार की है, चार पांच बार मैं परिक्रमा की है, तो 7-8 बार मुंह से गलती से निकल गया, 4-5 बार। सबसे आगे रहती थी। अच्छा शर्मा जी के साथ शादी के बाद गई पहली बार गई, तबीयत खराब हो गई इनकी। और पता है कब हमने पूरी परिक्रमा कर ली? थोड़ी सी दूर रह गया था, 100-200 किलोमीटर। एक नहीं, 1 किलोमीटर का नहीं था, 7 कोस किए, 4 कोस के अलग, 3 कोस के अलग, हमने दोनों परिक्रमा, लास्ट में 1 किलोमीटर रह गई। और मेरे पैर में इतना पेन हुआ ना, बिल्कुल मतलब एक एक कदम बढ़ाना है ना लगभग असंभव था। और 1 किलोमीटर पहले हमने रिक्शा कर ली, इतनी तबीयत मेरी भयंकर चलने में खराब हो गई थी। एक वो समय था, हालांकि नंगे पैर तो अभी भी नहीं चल पाता, पहले तो मैं चल ही नहीं पाता था बिल्कुल भी। नंगे पैर में वैसे अच्छा रहता है, उस टाइम बिल्कुल एक्यूप्रेशर होता रहता है। उस टाइम बिल्कुल भरी जवानी थी, गदराई हुई जवानी। भरी जवानी में ये हाल था इनका, तो अब बुढ़ापे में क्या होगा? ये जवानी रिवर्स कर रहे हैं भाई। हाँ जी महाराज, क्या कर रहे हो? क्या हुआ, गुस्सा है? नहीं, मुंह बना रहा है। ओयो! ये तो दांत का काट नहीं लेंगे। मतलब मैं किसी और को ना दूं? हैं? मेरा हाथ पकड़ रखा है। वो नहीं पता है मुझे, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ पकड़ा हुआ है कि किसी को ना दूं। ये देखो, अरे वो बच्चे भी हैं पीछे। अरे इसको दे दे, ले दे दो, दे दो। अरे वो धक्के मार रहा है, देखो इतने सारे खा गया है। बाबा एक और दे दो। कितना ये, तभी इसके मोटे होने का यही राज है। अरे आने तो दो आने। मतलब ये आपके जैसा है शर्मा जी, खाने पीने पे ध्यान है पूरा, तंदुरुस्त। 7 बीवियों को पालना को मजाक है हमारा। बस ठीक है अब। मतलब अब कितनी गंदी नियत है। अन्न चाहिए, देखिए बेचारा मांग रहा है। बाबा एक और दे दो, वो फिर आ जाएगा मोटा। चुपचाप दो, चुपचाप दे दो। अभी दे रही, अभी दे रही, अभी दे रही, अभी दे। अब हम भोजन करके जाएंगे यहाँ से। मतलब इसको घर पे तो खाना बना हुआ रखा है? नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे ना मक्के की रोटी है, साग है और आलू बैंगन की सब्जी है। डस्टबिन में डाल देती हूँ, याद आ गया पन्नी फाड़ फाड़ के ले गए थे ना। क्या है? कुछ नहीं है, खाली है। क्या अब नहीं है? खिला तो दिया कैमरे में देख रहा है ये क्या है? वो मानव निर्मित शिवलिंग बताते हैं उसको। तू है कहाँ? वो है कहाँ? सब चल गया अंदर, धरती में समा गया। आज कैसा है? कुछ पकड़ लूंगा तेरा मैं, देखियो। मक्के की रोटी, सरसों का साग, और आलू बैंगन की सब्जी, चटनी तो है स्पेशल। ये अलग ही तरह की चटनी है। और 100 रुपए में 4 रोटी, 2 सब्जी और चाय। जब आप टावर से नीचे उतरेंगे ना भाई साहब, जब आप टावर से नीचे उतरेंगे ना, वहीं पर आपको दोनों तरफ का फील करना होगा। इधर देखना तो ऋषिकेश, इधर देखोगे तो नीलकंठ। आप दोनों ही खड्डे में। अच्छा, ऋषिकेश भी खड्डे में है, नीलकंठ भी खड्डे में। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप टावर जो है सीमा रेखा है, ठीक है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ी और चले जाओ आगे, आधे किलोमीटर, और एक कांत में बैठ जाओ। अच्छा, और बैठ के मंदिर का जो पीपल का जो पेड़ है ना, जो मंदिर का जो, बस उसी पेड़ के ऊपर ध्यान लगा दो, एकदम ध्यान लगा दो, ध्यान हटे ना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट
करो कोशिश करते करते, तो आप देखने लगोगे ना तो आपका वो पूरा जो वृक्ष है ना वो आपको ऐसे नजर आएगा। तो जो मंदिर के पास जो वृक्ष है, हाँ, पीपल का, आपको दूर से देखने होंगे, दूर से क्योंकि एक तो गांव में से जहाँ से बैरिकेटिंग शुरू हो जाती है, ऊंचाई से, अच्छा ऊंचाई से, टावर से, जो टावर के पास, हाँ ऊपर जाके। भोजन हो गया, सत्संग हो गया, कितने बज गए? दो। दो सुबह निकले थे, कितने बजे? आठ बजे आठ बजे निकले थे, आठ बजे थे, आठ दस पे हमने झूले पे दिखाया था टाइम। और यहाँ पे कितने बजे आ गए थे हम? ग्यारह बजे तीन घंटे यहाँ बैठ के बता लिए, मतलब तेरे फालतू है ना। तो भाई गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह सत्संग अटेंड करके आ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और सत्संग क्या है देखिए, मैं बताऊं, इन्होंने जब से नया चैनल खुला है ना तो इनको मिलने लगे हैं ऐसे ऐसे लोग और ज्यादा मिलने लगे हैं। नहीं मिलते थे पहले भी, मिलते थे, अब ज्यादा भगवान रास्ता नहीं, हाँ अब ये की जैसे ना पहले थोड़ा बहुत पार्ट होता था, अब गूढ़ व्यक्ति मिलने लगे हैं बिल्कुल, क्योंकि आप वो भगवान ने खुद ही हाँ, दिखा रहे हैं कि भाई तुमने शुरुआत की है तो मैं खुद ही दिखाता जाऊंगा, रास्ता दिखा रहे हैं। कितनी भारी लकड़ी लेके जाते जा रहे हो? ले चलो थोड़ा सा। कितना उठा के देखिए, वैसे नीचे से नहीं, वैसे नहीं, नीचे से पकड़ो ना, लकड़ी पकड़ो, उठा। अरे बाप रे, रख दे इसके सर में, देखो अंदाजा लगा, ये 20 किलो होगा कम से कम, 20 किलो का होगा ये, 20 से ज्यादा ज्यादा होगा। पत्ता गोभी लाते हो इनके लिए? जी। और दूध क्या भाव है इनका? दूध नहीं निकलता इनका, दूध बेचते नहीं हो? नहीं। क्यों? वो सारे बछड़े पी जाते हैं। अच्छा, सब बछड़ों के लिए है। इतने बुजुर्ग बुजुर्ग राफ्टिंग कर रहे हैं और इन महाशय को ठंड लगेगी, लगेगा कितनी गर्मी होगी और ठंडी होगी। देखो कितने मजे लिए जा रहे हैं गंगा जी में। भैया इकलौता बच्चा है महक, इसको भीड़ भाड़ पसंद है। ये यहाँ ऋषिकेश में बोर हो गई है ना? हाँ। बताओ, और हरिद्वार पसंद है? हरिद्वार में अभी थोड़ा भीड़ नहीं है ना, अभी भीड़ नहीं है तो इसलिए मजा नहीं आ रहा है इसको। अभी मैंने कहा ये बच्ची है ना, जब बड़ी हो जाएगी, जब समझेगी तब इसको शांति ढूंढेगी, है ना? अभी तो इसको जरा पसंद होगा म्यूजिक वगैरह, डिस्को, है ना, ये चीज, डांस 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 बहुत करती है। हाँ तभी तो आंटी को एक डांस दिखा के जाते। हाँ, अच्छा डांस करती है? और अरे फिर तो ये आई है मम्मी और बेटी मुंबई से हमें मिलने के लिए। नाम क्या बेटा? महक। और रिंकी जी पहले एक बार हरिद्वार से स्पेशल मिलने आई, मिल नहीं पाए थे, मिल नहीं पाए, आज फिर आई है और बेटी को परेशान कर रखा है, इसको भीड़ पसंद है। मैंने कहा इसको इसकी नौकरी है ना रेलवे में लगा देना मुंबई की, पूरी भरी हुई ट्रेन में घुमा कर कभी इधर कभी बता रहे। तो मैं पता की जॉब कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बार कोई देखा है ऐसा बच्चा, तो हिसाब से उसको एयर हॉस्टल करना है ना, मिलेंगे ना फ्लाइट में सबके सब, ये तो है एयर हॉस्टल बनना है। अच्छा बढ़िया भाई, फिर तो पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। मां गंगा इसको एयर हॉस्टल जल्दी बनाए, अभी टेंथ में पर बेटा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अच्छी तरह से। गांव गई थी 5-6 दिन के लिए, मतलब इसको बुलाना पड़ता था, थक जाती थी मैं, इतने से लेके बस इतने वाले थे सब, सबके सब वही थे। बोलती अंदर क्या हूँ, अंदर आती हूँ तो पक जाती हूँ, कोई दिखता नहीं है घर के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भाई, इस
इसकी मम्मी बोल रही थी दिया जैसी शर्माती है, मुझे कि दिया जैसी है, मेरे को नहीं लगता है दिया जैसी है। आज इसने टैग हटाने के लिए डांस कर दिया है, दिया का टैग हट गया, दिया हंसे जा रही है। इन्होंने अभी कलेश कर दिया था, इधर दिखाओ, ये मेरे से सूप बनवाया था इन्होंने सूप, और उसके बाद ये खा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं, मैं कमेंट कर रही हूँ खाने के फूड के, तो कह रहे हैं कि वहाँ चलते हैं, खाने चलते हैं भाई, मतलब असल में पता है, मैं बताती हूँ, एक दिखाओ, खुद बोल रही है। और भगवान कसम इतना गंदा मुंह बना रहा, मैंने कहा क्या बनाऊं, रोटी सब्जी बनाऊं क्या बनाऊं, कह रहे सूप बनेगा सूप, और अब देखो ये सूप के बाद ये हो रहा है। आप रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, स्टार्टर से पहले सूप मंगाते हैं तो भूख को उगाड़ देता है, मेरे को नहीं पता था पंपकिन सूप भूख को उगाड़ देगा, नहीं सब्जी रोटी रखी हुई है। अब श्रीमती जी को खाना बनाना पड़ेगा, अब खाना बना रहे सूप से काम नहीं चलेगा, बजे है 9:30, स्माइल करके दिखाना, बस हो गया खाना। ये कह रही है पाव भाजी खानी है, और कह रही है वो कह रहे पढ़े लिखे इंसान 9 बजे खाना खाने डिनर करने जाते हैं, तो ये कैमरा देख के बोल रही है कि मम्मी मुझे रोटी दे दो, पहले ये बहुत जिद कर रही थी, उछल कूद मचा रही थी भाई। हमने सुन पहले जाते थे ना 9-10 बजे के करीब, सब लोग देखते थे कि 9-10 बजे तो डिनर करने पे जा रहे हैं, पहले हम मतलब जब गरीब आदमी थे तो हम 5-6 बजे डिनर कर लेते थे, तो सुना कि हाई सोसाइटी वाले 9-10 बजे तो अभी ये कलेश कर रहे थे कल से। अब इसने क्या करा कि सूप खिला के ना भूख को उघाड़ दिया है, कल से या तो ये घर पे खाना बनाए या हम कहीं बाहर जाके खा के आएंगे। जरा दांत दिखाओ जरा एक बार फिर से। खाने के लिए इन्होंने कितनी जल्दी कार निकाली है, देखो रात के 9 बजे आदमी इसी को हाँ। शायद हम 25 साल हो गए हमारी शादी को, हम 9 बजे के बाद कभी खाने के लिए नहीं निकले, आज पहली बार है कि हम खाना खाने जा रहे हैं, वो भी 9 बजे के बाद। 9 बजे से पहले हम जीम के घर आ जाए करते थे। हाँ वैसे मेरी हमेशा शादी ब्याहों की तो उनके फंक्शन की बात और रही अलग, पर जो भी नॉर्मल वे में हम जब भी डिनर पे चाहे किसी भी अच्छी जगह, हमारा टारगेट होता था कि 7-8 बजे चले जाओ और अपने 9 और मैक्सिमम 10 बजे तक घर वापस। सूप ने है ना ऐसी भूख उगाड़ी है कि पूछो मत। मुझे पता है इसलिए मैं इनके लिए आज तक ऐसी चीज बनाती नहीं हूँ, वो ड्रामेबाज। हाँ ये ऐसे ही करते हैं, बनवा लेंगे, बनेंगे हेल्थ कॉन्शियस फिर। वो तो हमारे भाई समझ गया। शर्मा जी का फेवरेट रवा डोसा है ना शर्मा जी, कैसा लगता है आपको रवा डोसा? कई बार खाया है, 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले? 7-8 साल से खा रहे हैं यहाँ पे, और अभी 2 साल पहले खाया है। अक्सर अपने ही आते हैं क्योंकि इन मेन रोड को ऊपर है बहुत ज्यादा। ये दोनों खाए जा रहे हैं और मेरा ऑर्डर अभी आया नहीं है क्योंकि ना ये रेनोवेशन का काम चल रहा था और इन्होंने अपनी किचन जल्दी में स्टार्ट कर दी है। ये आ गया मेरा ऑर्डर आया और नहीं कोई नहीं खाने दिया इन्होंने, मेरे को हाथ भी नहीं लगाने दिया, और अब कह रहे हैं अब तेरा आएगा तो मैं तेरा खाऊंगा। 2 रवा डोसे 260 और 1 उत्पम 130, यानी कि सारी चीजें 130 रुपए में। बहुत महंगी, बहुत महंगी, बहुत महंगी है। नहीं साइज बहुत कम था भाई, अभी 2 डोसे खाने लायक मतलब भूख थी, फिर उसके पास रवा खत्म हो गया भाई के पास। इसको पता नहीं क्या हो रहा है, ये बिना बात में सबके ऊपर जाके भोंक रहा है, वहां जाके भोंक के आया, वो खड़े हुए लोग हैं और फिर यहाँ के बैठ जाता है हमारे पास। क्या बात है, नींद आ रही है तेरे को और सोने नहीं दे रहे, सो जा। तो भाई जो रिंका सिंह जी आई है हमें रिंकी सिंह मतलब इतनी बोल्ड लेडी मैंने बहुत कम देखी है। एक गुजरात से आई थी, वो भी थी, एक वो गुजरात से आई थी, प्रगना थी ना, प्रगना जी, और एक ये, और ये तो उनसे भी ज्यादा जबरदस्त, उनकी जो जीवन को लेके जो डिसीजन है ना, बच्चों को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, समाज के प्रति, दहेज के लेन देन के प्रति, वो जो क्लियर कट माइंड है, वो किसी दिन उस पर पूरा एक वीडियो बनाना है मेरे को। और क्योंकि उसके उसी दौर से मैं भी गुजर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आजकल के बच्चों और पेरेंट्स को कुछ चीज़ अपनी तरफ से मैं
अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा, अपनी अपने अपनी सिचुएशन भी सामने रखूंगा। चाहता तो उन्हीं के साथ वीडियो बनाना था पर बना नहीं पाया, फिर कभी सही क्योंकि उनके पास टाइम कम था उनको हरिद्वार वापस, और वो एक दिन पहले हमारे से मिलने के लिए हरिद्वार आई, हरिद्वार से यहाँ आई और हम नहीं मिले क्योंकि वो उस साइड ढूंढ रही थी हमें परमात की साइड। तो फिर मैंने उनको बताया कि हम इस साइड रहते हैं, फिर वो स्पेशल दोबारा जाके उस दिन फिर आई और दोनों मम्मी बेटी अकेली आई थी बॉम्बे से। गंगा की कृपा से भाई ऐसे ऐसे प्रेमी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सूखा पेड़ भी हमें तो आनंद दे रहा है, इसके अलग ही खूबसूरती दिख रही है। हाँ। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दिन हो गए हैं, एक बार फिर से अपनी फोन बुक उठाइए और सबको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत दिन हो गए हैं, जरा शेयर कर, लाइक शेयर लाइक वगैरह कर दो भाई, जो कर रहे हैं करो। मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में, तब तक करिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, भूल जाते हैं बीच में। आजकल दूसरे चैनल पे ध्यान सबका रख रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे चलता रहता है। हम यहाँ का ध्यान याद रख करवाएंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव।